भारतीय क्रिकेट बोर्ड को इंडियन प्रीमियर लीग पर घमंड है, होना भी चाहिए। दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड की सबसे महंगी टी20 लीग, वर्ल्ड क्रिकेट के सारे बड़े बड़े सूरमा साल भर इस टूर्नामेंट का इंतजार करते हैं। खिलाड़ियों पर पैसों की बरसात हो जाती है, ग्रैंड ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। बीसीसीआई भी आईपीएल में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करती है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मतलब है चाहे मैच में कैमरे की बात हो, चाहे और भी एस्पेक्ट की बात हो। मैच के 360 एंगल कवरेज के लिए मैदान पर 30 से 35 कैमरे लगे होते हैं, शायद इससे भी ज्यादा, हमारे आंकड़े गलत भी हो सकते हैं। साथ ही 8 हॉक आई कैमरे की तकनीक इसी साल लाई गई है, त्वरित फैसले लेने के लिए, यानी कि तुरंत फटाक से फैसले लेने के लिए टाइम जिससे वेस्ट ना हो, इनके लिए अंपायर्स की एक फौज भी तैनात की जाती है हर मैच में। साइंटिफिक तकनीक का डिसीजन रिव्यू सिस्टम जनरेट किया जाता है। बावजूद इसके जो आईपीएल 2024 में बीती रात हुआ वो बेहद शर्मनाक है, क्यों चलिए बताते हैं। दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में एक हाई स्कोरिंग मैच हुआ। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने स्कोरबोर्ड पर 8 विकेट खोकर 221 रन बना दिए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने जबरदस्त अंदाज में पलटवार किया। संजू सैमसन शुरुआत से ही अच्छी लय में नजर आए, अटैकिंग नजर आए और 28 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। रॉयल्स को आखिरी 5 ओवर में जीत के लिए 63 रन की दरकार थी। मैच के इस नाजुक मौके पर अंपायर से एक नहीं बल्कि 2-2 अहम गलतियां हो गई। टूर्नामेंट जब अपने अंत की ओर बढ़ रहा हो, एक एक पॉइंट प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बहुत अहम हो जाता है, और ये बात हमने हर बार देखी है। जैसे जैसे बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट की तरफ आप बढ़ते हैं, हर मैच इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे में अंपायरिंग भी उतनी ही सावधानी से होनी चाहिए, वरना टीमों को इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। 16वें ओवर की चौथी बॉल पर जमकर ड्रामा हुआ। दरअसल इस ओवर की जिम्मेदारी तेज गेंदबाज मुकेश कुमार के पास थी। शुरुआती 3 गेंद में सिर्फ 3 रन देने के बाद मुकेश ने चौथी बॉल पर आउटसाइड ऑफ स्टंप एक स्लोअर गेंद फेंकी। लेंथ पर गेंद थी, 118 किलोमीटर पर आर की स्पीड थी, थोड़ी स्लोअर गेंद फेंकी थी उन्होंने। सैमसन ने इसको सीधा शॉट मारा, छक्के के लिए ट्राई किया जो छक्के के लिए जा रही थी, लेकिन अचानक शे होप वहां पे आए, अपनी बाईं ओर थोड़ी सी छलांग लगाई और आसपास थोड़ा सा एडजस्ट करके एक अच्छा शानदार बाउंड्री पर कैच ले लिया। पहले 2-3 कदम दोनों पैरों को लड़खड़ाते हुए आगे धीरे धीरे बढ़े और घसीटते घसीटते वो बाउंड्री के कुशन से बहुत करीब आ गए थे। इसके बाद रिप्ले में साफ नजर आया कि जूते बाउंड्री से बेहद करीब थे। बिना चेक किए अंपायर्स ने संजू सैमसन को आउट दे दिया। संजू पहले तो आधे रास्ते तक लौट गए और फिर वापस आकर अंपायर से बातचीत करने लगे, वो वापस नहीं जाना चाहते थे। राजस्थान के डगआउट में भी काफी गहमा गहमी इस मोमेंट पे देखने को नजर आई। संजू डीआरएस लेना चाहते थे लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि जब आपके पास टेक्नोलॉजी है तो इतने निर्णायक मौके पर क्रीज पर सेट बल्लेबाज को बिना अच्छे से जांचे परखे आउट कैसे दे दिया गया, क्योंकि जिस समय संजू सैमसन मैच में आउट हुए उसके बाद से राजस्थान ने मोमेंटम खो दिया, मुकाबला गंवा दिया और शायद ये 2 पॉइंट आगे चल के बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दे इस टूर्नामेंट में। ऐसे में अंपायरिंग की वजह से अगर कोई टीम को नुकसान होता है तो ये बहुत बड़ी बात है, सवाल जरूर उठने चाहिए। अंपायर्स की लापरवाही यही नहीं थमी, 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी इसी तरह की घटिया डिसीजन मेकिंग देखने को मिली। तेज गेंदबाज रसिक सलामदार ने रोवमन पावल को ऑफ साइड के बाहर फुल लेंथ गेंद फेंकी, जिसे कायदे से वाइड दिया जाना चाहिए था लेकिन अंपायर्स के मुताबिक वो एक लीगल डिलीवरी थी। पावल ने फौरन रिव्यू लिया। रिप्ले में साफ पता चल रहा था कि शॉट खेलने के लिए पावल ने घुटना टेक कर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद काफी बाहर थी, बल्ला क्रीज के ठीक सामने था और गेंद शायद आधा मीटर आगे तक गई, लेकिन बल्ले के फ्रंट ऑन एंगल ने गेंद को छिपा दिया था। थर्ड अंपायर ने कई बार रिप्ले देखने के बावजूद वाइड डिसीजन को पलटना जरूरी नहीं समझा और कह दिया कि कॉल रिवर्स करने का कोई निर्णायक सबूत ही नहीं है, यानी कि कोई कंक्लूसिव एविडेंस आपके पास नहीं है। अंपायर्स के गलत डिसीजन की वजह से कितना नुकसान टीमों को होगा ये तो आने वाले वक्त में बताएगा। चाहे इसके पहले विराट कोहली के आउट पर भी बहुत बवाल मचा था और अब संजू सैमसन ने जिस तरीके से अपना विकेट खोया उस पर भी सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा हुआ है। बहरहाल इस पर आपके क्या प्रतिक्रिया है अंपायरिंग को लेकर आईपीएल 2024 के, आप क्या सोचते हैं कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बाकी स्पोर्ट्स की दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स 9। मेरा नाम है आयुष मिश्रा, नमस्कार।